दोस्तों, क्या आप भी WhatsApp को इस्तेमाल करते हैं? आप अपने WhatsApp नंबर से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं और आपकी WhatsApp की अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रही है, वहाँ पे लिख रहा है कि आपकी नंबर बैन हो चुकी है। अगर ऐसा है तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने फोन की स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पे मेरा एक नंबर है जो बैन हो चुका है, मैं उसे अनबैन करके दिखाऊंगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपने WhatsApp को। WhatsApp ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसके बाद दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मैसेज मिलता है। योर फोन नंबर, ये मेरा फोन नंबर है, इज बैनड फ्रॉम यूजिंग WhatsApp, कॉन्टेक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। तो दोस्तों, अगर आप इसे फिक्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। सभी के फोन में अलग अलग तरीके होते हैं स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप देख लीजिएगा आपके फोन में कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। और स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सपोर्ट पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं कि ऐसा होता क्यों है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे, कोई वायलेंस कर रहे। दोस्तों, मैं अपने केस में बताता हूँ कि मैं यूट्यूब का लिंक भर भर के किसी को शेयर किया था काफी मात्रा में, इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है। तो अगर आप इसे अनबैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी प्रॉब्लम लिखना होता है। आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं पहले से ही टाइप करके रखा हूँ, तो यहाँ पे हम सिंपली इसे पेस्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लिखा हूँ। हेलो सर, आई रीड योर टर्म कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि मैं आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ा हूँ। आई थिंक हैव डन सम मिस्टेक एंड वायलेंस। मतलब कि यहाँ पे हमें लगता है कि हम कुछ व्हाट्सएप की पॉलिसी के खिलाफ गए हैं और यहाँ पे ये मेरे मिस्टेक है, आगे से हम ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सभी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ से सीधे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कोड जरूर डालिएगा, इतना कर लेने के। और यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आप जो ये लिखा हुआ है योर नेम, यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे मैं अपना नेम डाल दे रहा हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आप जो स्क्रीनशॉट लिए थे, आप उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जाइएगा गैलरी में। यहाँ पे हम आते हैं स्क्रीनशॉट वाला सेक्शन में और यहाँ पे मैं उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर स्क्रीनशॉट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कुड नॉट लोड दिस फोटो, प्लीज ट्राई अगेन। मेरे फोन में ऐसा आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है। आपके फोन में कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही एरर है, अगर आप स्क्रीनशॉट लोड कर देते तो और भी अच्छी बात है। मेरे फोन में अभी ये स्क्रीनशॉट लोड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ओके पे और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा डज नॉट एंसर माई क्वेश्चन, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब दोस्तों जैसे ही आप डज नॉट एंसर माई क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपकी जीमेल आती है, यहाँ पे आप जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे आप मैसेज टाइप किए थे वो यहाँ पे सभी फिल हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो जीमेल आईडी है, अगर आप इसे पहली बार यूज करें तो फिर ठीक है। अगर दोस्तों इसी तरह का मैसेज अगर इसी जीमेल आईडी से आप दो तीन बार कर दिए तो यहाँ पे आप एक फ्रेश जीमेल आईडी बना लीजिएगा और आप उससे मैसेज कीजिएगा। अगर आप एक ही ईमेल आईडी से दो तीन बार कर दिए हैं और अनबैन नहीं हुआ है तो उस केस में आप यहाँ पे नया जीमेल यूज कीजिएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी फिर कोई भी जीमेल चलेगा। इसके बाद आप यहां पे क्लिक कीजिएगा सेंड पे। अब दोस्तों यहां से व्हाट्सएप के टीम पे ये आपका मेल चला जाता है और मेल जाने के 2 से 3 मिनट के बाद आपको फिर एक मेल प्राप्त होता है कि आपकी समस्या हमें प्राप्त हो गई है, हम इस पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों 6 घंटे के बाद जब आप ट्राई कीजिएगा तो आपकी नंबर अनबैन हो जाएगी। अगर फिर भी अनबैन नहीं हो रही तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसके लिए दूसरा सोल्यूशन आपको बताऊंगा।